सीनियर अदाकारा सबा फैसल जो कि पहले एक न्यूज़कास्टर भी रह चुकी हैं, उनके साहबजादे सलमान फैसल ने वालदा की जानब से अहलिया पर संगीन अल्ज़ामात आयद किए जाने पर खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने कहा है कि उनकी अहलिया के हवाले से गलत बातें ना की जाएं। सलमान फैसल की वालदा सबा फैसल ने एक रोज़ कबल अपनी बहू नेहा मलिक पर संगीन अल्ज़ामात आयद किए थे और सबा फैसल ने अपनी बहू और बेटे से ला तल्की का इजहार किया था। सबा फैसल ने अपने बयान में कहा था कि अब उनका और पूरे खानदान का उनके बेटे और उनकी बहू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सबा फैसल ने बहू नेहा मलिक पर संगीन इल्जाम आयद किए थे और अपनी वीडियो में उन्होंने कहा था कि जिस घर में नेहा मलिक जैसी औरत रहती हो वो घर जहन्नम बन जाता है। मुख्तसर दुरानिया की वीडियो में अगरचे सबा फैसल ने बहू पर इल्ज़ाम लगाया था कि उन जैसी खवातीन घरों को जहन्नम बना देती हैं, ताहम उन्होंने अपनी बहू की जानब से उठाए गए इकदामात की तफसीलात नहीं बताई थी। सलमान खान की वालदा सबा फैसल की जानब से अहलिया पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए जाने के बाद अब सलमान फैसल ने भी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि वालदा भी उनकी हैं और नेहा भी उनके बच्चे की माँ हैं, यानी कि वो दोनों रिश्तों को ही रखना चाहते हैं और निभाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने लिखा था कि उनकी वालदा और अहलिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो बातें हो रही हैं उनसे उन्हें शदीद तकलीफ हो रही है। सोशल मीडिया पर ही उन्होंने अपनी दूसरी पोस्ट में यह भी लिखा था कि बहुत हो गया, हर कोई सोच समझकर बोले, अपनी गलीज सोच अपने पास रखे। अभी ये इशारा उनका अपनी माँ की तरफ था या अपनी अहलिया की तरफ था ये तो वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन अभी सबसे सख्त जो बयान आखिर पर आया है वो नेहा की तरफ से आया है। नेहा ने अपनी सास सबा फैसल और अपनी ननंद सादिया फैसल को बगैर नाम लिए तनकीद का निशाना बनाया और लिखा है कि अपनी जिंदगी का मुआजना उनके साथ हरगिज न करें जो हराम के मजे ले रहे हैं। सबा फैसल भी हबस ड्रामा में एक खास किरदार निभा रही हैं। हबस ड्रामे का दूसरा किरदार जो बड़ा है वो फिरोज खान का है। फिरोज खान की भी इज़्दवाजी जिंदगी काफी मुश्किल का शिकार है। वो अपनी बीवी अलीज़े खान को दे चुके हैं तलाक और आजकल अदालत के अंदर नजर आ रहे हैं और अपने बच्चों की कस्टडी चाहते हैं। देखना यह है कि दो लोग ड्रामा में अपने माशरे की तरबियत कर रहे हैं, उनके अपने घरों का हाल क्या है। इससे साफ पता चलता है कि यह सब बनावटी है जो ड्रामों के अंदर हो रहा है और किसी भी व्यूअर्स को उनसे कोई सबक हासिल करने की जरूरत नहीं है। पीके मियां के वीडियोस के सब्सक्राइबर इसके बारे में क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए कि हमारे ड्रामे हमें क्या पैगाम दे रहे हैं।